गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब? दोस्तों स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों शाम के 5 बज रहे हैं और हमारे मामा श्री आज मिल गए हैं, काफ़ी दिनों बाद भेंट हुई है, तो आइए उनसे चर्चा करते हैं। तो दोस्तों अभी हम घर से निकले हैं, आराम कर रहे थे दोपहर में, तो मामा जी से भेंट हो गई हमारी। बड़ा दिन हुआ इनसे बातचीत किए हुए, खेती बाड़ी का कहा इनका समाचार है, कुछ बताए नहीं, तो आज इनसे भेंट हो गई है। तो इनसे पूछते हैं कहा इनकी खेती बाड़ी की कंडीशन है। तो कहा हो गया हो धान उन कटा? धान उन तो कट गए, मशीन से कटवा हुआ है। अच्छा, मजदूर से नहीं कटवाए हो? सब मशीन से। अच्छा काहे का करिए, मैं नहीं कहाँ मिलते हैं, वही से कटवा देना सर। गेहूँ वहूँ का वो है, खेत भरा है, अब गेहूँ भरा ही का है। अब तो गेहूँ बो जाए, अब खेत सब सींच दिए हो? सब सींच गया भाई, दू गट्टा पड़ा है, भयान लगा हुआ है। खेती सब, तो अब नया बीज भी लाओगे गेहूं का? हाँ नहीं तो अभी खाद का क्या रेट है? खाद का रेट का 1400 रुपया वो DAP। अरे बाप रे, बड़ी महंगी है। अब महंगी तो है। अब बीज, नया बीज जैसे बोने के लिए? अब हम बीज के पते नहीं लेंगे, बीज भी इसी तरह होगा, 1300-1400 रुपये का 40 किलो ना? हाँ। तो दोस्तों महंगाई इस समय चरम सीमा पे है, DAP 1400-1500 की बिक रही है, सोसाइटी में तो मिलेगी नहीं, ब्लैक में इसी तरह भी मिलेगी, और बीज भी इस समय 1400-1500 का बोरी 40 किलो की आती है, इसी हिसाब से मिलेगा। तो यही कंडीशन है। भैंस जानवरों का क्या हाल चाल है? जानवर गाय वो कैसे दूध दूध दे रही हैं? अरे गाय अब को रोती हैं, नहीं भी आनी भैंस ला देती, भैंस ला देती 4-5 लीटर दूध, मतलब दूध हो रहा है घर में। यहाँ कई जानवर हैं? जानवर छोट बड़े 10। 10 जानवर? अरे बहुत ज़्यादा जानवर है। 2-3 को रोटी, 1 गहने में भी आई, फिर 1 बाद में भी आई, 1 भैंसों को रहा थी। तो दूध समय समय पे मिलता रहेगा ना? हाँ। 1 अगर छुटाएगी तो 1 फिर बच्चा दे देगी, तो धीरे धीरे इसी तरह दूध का स्रोत बना रहता है ना? हाँ। तो ये मामा जी जो है अपना पूरा खेती बाड़ी का सब क्या कंडीशन है बता रहे थे। तो और क्या होत रहा थे? और क्या होत रहा थे, मटर ताकर के रहा था। अच्छा मटर पेड़। अच्छा लील गाय खूब आती है ना? हाँ, खेत में। हाँ। तो रात में भी जगना पड़ता है और का। तो वहाँ पे कुछ बनाए हो रहने के लिए, उसमें तो दिक्कत होती होगी? तो ढक पेड़ है। अच्छा पेड़ के नीचे। तो पेड़ के नीचे ये लेटते हैं रात में, और नील गायों से बचाने के लिए मटर को। ये हाल है। अब खेत में चारों तरफ जहाँ जहाँ जो लोग मटर बोए हैं सब लोग मतलब उस तरह बना के, छपरा टाइप बना करके, उसी बांस गाड़ करके उसी पे सोते हैं ऊपर, और वहीं से टार्च ले करके चारों तरफ देखते रहते हैं और हल्ला गुल्ला मचाते रहते हैं। तो नील गायों से अब इस समय रात में बचाने के लिए, और वो नहीं आते हैं क्या इस समय, ये बछड़ा गाय जो छूटे हुए छुट्टा जानवर कम है अभी? अच्छा अभी तो उस बीच में बहुत ज़्यादा आ रहे थे धान के सीजन में। धान सीजन में रहे सब
वो मैं बहुत से हाकी आए ना। अच्छा बाड़ा में तो अब कम है इस समय। अच्छा वो जो गौशाला खुली हुई है उसमें है ना, गौशाला में हाँक दिए हैं तो कम हो गए हैं, लेकिन गौशाला में भी तो उतना सेवा नहीं होती है ना। अब सेवा हो या ना हो गौशाला में, लेकिन ये है कि अब किसानों का थोड़ा सा राहत है ना। राहत कहाँ है, अब लील गाय बहुत जोर की है। अच्छा लील गाय ज़्यादा है, तब मटर का जब तक ये पूरा ख़त्म नहीं हो जाएगा सीजन तब तक ताकना पड़ेगा। दो तीन महीना की मेहनत है ठंडी में, नहीं तो अगर एक दिन अगर चूक गए तो साफ तो हो जाए। इतना लगत लगी है कि एक एक बीघे मटर में कितना लगभग लगत लग गई है? अरे लगत का 3-4 हज़ार का तो बीज होगा एक बीघा में, हाँ और जुताई है खाद है 5-6 रुपये जुताई, 5-6 रुपये जुताई मतलब लगभग लम्ब संब 6 हज़ार करीब लग जाता होगा ना। ज़्यादा DAP सिंचाई फटकोही DAP अब वाह का जो उन्हें खदिया या फलल का पोटास। अच्छा एक बोरी पोटास एक बोरी DAP तो 6-7 हज़ार लग जा रहा है। तो ये है मटर की खेती में भी काफ़ी लगत लगती है, उधर बीच में अगर ठीक ठाक पाला वाला ना मारा तो ठीक से हो जाता है, अच्छा से फल लग जाता है, नहीं तो फिर दिक्कतें होती। अरे पाला मार दी तो भी चला वो तो धनी बत कहा दई किसान दई किसानी लगावत है धनी तो बत कहा बात करत रही कि मोरे इतना हो जाओ इतना भाई सही बात है, ऊपर वाला जो चाहता है वही होता है, है कि नहीं। समय से अगर अब मान लिया इस समय मटर का सीजन है, बारिश ज़्यादा हो गई तो दिक्कत हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी मटर, तो ऊपर वाले के हाथ में रहता है रिस्क की है खेती। अरे जुआ के खेला भाई, हाँ खेती में जुआ समझो खेल रहे लोग, जो भी खेती किसानी करते हैं समझो जुआ खेल रहे हैं। तो ये मामा जी हमारे सब बता रहे थे खेती किसानी का आजकल किस तरह लोग वो करते हैं, उनकी लड़की मामा जी की लड़की है वो गुस्सा हो रही, कह रहे हैं कि बाबू की वीडियो भाई बना रहे हैं और सब वायरल करेंगे इसको। बताओ कौन सी गलत बात हम बोल रहे हैं, खेती किसानी का बात कर रहे हैं क्यों मामा जी? तब तो इसीलिए अब देहात में लोग जो है जानते नहीं है तो सोचते हैं कि वीडियो डाल देंगे नेट पे चला जाएगा सब देखेंगे, है ना, इनको कुछ पता तो है नहीं। देहात में लोग अनपढ़ हैं तो उनको कुछ पता है क्या कि वीडियो से क्या होता है? तो और सब ठीक ठाक है? हाँ सब ठीक है। तो ये हैं हमारे मामा जी, आज काफ़ी दिनों बाद इनसे भेंट हुई तो सब हाल चाल इनसे पूछे हम, इनकी खेती बाड़ी का क्या हाल चाल है, खेती किसानी में जुटे रहते हैं हमेशा, अभी तक तो भैंस चराने जाते थे, अब भैंस का चराना बंद हो गया है ना, अब तो चारों तरफ बुआई हो गई है, मटर है और गेहूं वगैरह बो जाएंगे, खाली मैदान तो है नहीं, खाली खेत तो है नहीं, अब है कि नहीं। तो वही सब अब इस समय खेत की चरवाही बंद हो गई है, भैंसों की चरवाही ना, भैंस चराना बंद बिल्कुल। तो दोस्तों ये रही हमारे मामा जी से भेंट मुलाकात, और मिलते हैं आप लोगों को अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद। मामा जी हमारे बड़े मनोरंजन वाले हैं ये मनोरंजन खूब करते हैं, तो इनको गाने भी आते हैं पुराने
गाने बिरहा वगैरह इस तरह का खूब सुनते हैं, तो इनको पुराने गाने बहुत ज़्यादा पसंद हैं। तो फिर ठीक ठाक है सब? अब क्या ठीक ठाक नहीं तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं आप लोगों को अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आप लोगों को मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।